हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितु ऑल स्टार एंड आई एम रितु। मैं आपको आज सूजी का डोसा बनाने सिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो है एक कटोरी सूजी, आधी चम्मच नमक, 2 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच बेसन और 1 कटोरी दही। सबसे पहले हम इन चारों को मिक्सी जार में पीस लेंगे, इसका अच्छे से फाइन पाउडर बनाएंगे और इस पाउडर को मैंने दही और पानी की सहायता से अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, इसको अच्छे से मिलाना है और इसका पेस्ट मैंने अच्छे से बना लिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए फुलाने के लिए रख देंगे। तो डोसे का पेस्ट फूल कर कुछ इस प्रकार का हुआ। अब हम तवे पे इसको स्प्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें तवे को हमने गर्म कर लिया है। अब हम इस पे थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे। और इसको कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे। इसको कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दीजिएगा। और इस पेस्ट को हम तवे पे चारों साइड गोल गोल राउंड में फैला देंगे। अब गैस की फ्लेम को फुल कर दीजिएगा। अब इसको हम चारों साइड से अच्छे से पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तो चारों साइड से ये ऊपर से आपको सूखा सूखा सा दिखाई देगा। तब हम इसमें चारों साइड तेल लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तब हम इसके ऊपर जो है तेल लगाएंगे। किसी ब्रश की सहायता से आप इसको अच्छे से इसमें तेल लगाइएगा। अब इसका इंतज़ार आपने करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको फुल फ्लेम पर ही पकाइएगा। धीरे धीरे ये अपना इसमें चारों साइड से इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। देखिए धीरे धीरे इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा सूजी का झटपट नाश्ता जो है बनके रेडी हो गया। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको बनाकर खाकर बताइएगा कि ये जो नाश्ता है किस प्रकार का बना। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो अब हम खड़ी चटनी और लाल चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। चटनियों की विधि मैंने आपको पहले भी बताई है कि कैसे कैसे इसको बनाना है। तो अब इसको खाकर बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह किस प्रकार का बना। थैंक यू सो मच।